Merry Christmas to all my lovely subscribers. Welcome back to my channel, to Beauty, Health and Style. Guys, you can see the beautiful lighting, Christmas tree. I just love Christmas day. Kitna beautiful hai. And so beautiful, guys. And you can see in this mall, kitna beautiful, amazing Christmas tree, beautiful decorations. So, आज के दिन में हम कुछ स्पेशल ना कुछ करें ऐसा हो नहीं सकता, तो हम स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं. जिनको नॉनवेज बहुत पसंद है उनको तो ज़रूर पसंद आने वाला है, और वो है मटन करी. सो चलते हैं घर में और बनाते हैं मटन करी. और जिनका फेवरेट है मटन करी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि उनको मटन करी पसंद है या नहीं. तो चलो, गैस पे मैंने कुकर चलाया है. फिर हम 3 to 4 टीस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे, आप एनी ऑयल यूज़ कर सकते हो. फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया है, और जिंजर गार्लिक को हम इसी ऑयल में डालेंगे और अच्छी तरह भुनेंगे. ऑनियन पेस्ट लेंगे. मैंने 4 बड़े प्याज लिया है, उसको ग्राइंड किया है, उसका पेस्ट बनाया है. क्योंकि हम इस मटन करी में टमाटो का यूज़ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ऑनियंस का यूज़ करने वाले हैं. तो अच्छी तरह उसको भुनना है. मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह भुनना है. 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर, 1/4 हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी इसमें. फिर हम डालेंगे धनिया, 1 टीस्पून ऑफ धनिया डालेंगे. हम डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून. और फिर हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट. दो मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, जब तक वो ग्रेवी और वो फ्लेवर पूरा मसाला का वो तब तक वो बनेगा. और फिर हम उसको खोलेंगे, फिर से हम उसको हिलाएंगे और फिर अच्छी तरह भुनेंगे. जितना ज़्यादा आप भुनेंगे उतना ज़्यादा आपका मटन करी बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है. कवर करेंगे 2 मिनट के लिए.
और हमारा ग्रेवी बन गया है। आप देख सकती हो कितना अच्छा कलर आया है और पूरा ग्रेवी और मसाला बहुत ही अच्छा बन गया है। और हम लेंगे 900 ग्राम्स का मटन मैंने लिया है और इसको मैंने वॉश किया है, क्लीन किया है और उसमें कुछ भी नहीं डाला है। और हम इस मटन को इस ग्रेवी में डालेंगे और अच्छी तरह भुनेंगे उसको। और मैंने 1 teaspoon ऑफ मीट मसाला डाला है और मैंने एवरेस्ट का लिया है और बहुत ही टेस्टी बनता है मटन अगर आप मटन में मीट मसाला डालते हो। और उसको अच्छी तरह भुनना है, जब तक आप अच्छी तरह नहीं भुनेंगे तो आपका मटन टेस्टी नहीं होने वाला है। फिर हम 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और फिर हम खोलेंगे और फिर से हम इसको भुनेंगे। कितना अच्छा कलर आ गया है। फिर हम 2 cups ऑफ वाटर डालेंगे और मटन पकने में बहुत टाइम भी लगता है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो। मैंने 1/2 cup ऑफ पानी फिर से डाला है। मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया है। फिर 18 to 20 सीटीज का वेट करेंगे जब तक मटन अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। ये लास्ट सीटी के बाद हम गैस को बंद करेंगे। हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और गाइस आप देख सकती हो कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत ही बढ़िया बन गया है ये मटन करी और कितना अच्छा सुगंध है। अब हम बोल में डालेंगे और गाइस ये मटन करी को ज़रूर ट्राई करना आपके घर में। और आज तो बड़ा फेस्टिवल भी है, क्रिसमस भी है, तो आज हम इसको इंजॉय करने वाले हैं।